सभी को ज्ञान का प्रणाम। एक दिन में बहुत कुछ नहीं बदलता, लेकिन अगर सतत लगे रहे तो एक दिन सब कुछ बदल सकता है। अगर यकीन है तो सब कुछ संभव है। एक बालक जिसका जन्म चीन के एक छोटे से गांव में होता है, वह पढ़ने लिखने में बहुत कमज़ोर है, ठीक से पढ़ लिख नहीं पाता। प्राइमरी स्कूल में 2 बार फेल होता है, मिडिल स्कूल में 3 बार फेल होता है और कॉलेज में बार बार फेल होता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 10 बार अप्लाई करता है, 10 बार फेल हो जाता है। नौकरी के लिए इंटरव्यू देता है, साक्षात्कार में बार बार असफल हो जाता है। 30 से ज़्यादा बार जिसे इनकार कर दिया जाता है नौकरी के लिए। पुलिस बनने जाता है, दूर से ही बोल दिया जाता है कि आप लायक नहीं हो पुलिस मैन के लिए। यहाँ तक को तो छोड़िए, वेटर बनने जाता है तो वेटर के लिए भी उसको बोला जाता है कि आप वेटर बनने के भी योग्य नहीं हो। KFC कंपनी जब चीन आती है तो वह 24 लोगों का इंटरव्यू लेती है। 24 लोगों में से 23 लोग पास हो जाते हैं और केवल वही बच्चा फेल हो जाता है। केवल उसी को नियुक्त नहीं किया जाता है, 24 में से 23 लोगों को सेलेक्ट कर लिया जाता है। केवल उस बालक को निराशा हाथ लगती है, बहुत सोचता है। शुरू से बैक बेंचर रहा है, तरह तरह की बातें लोग कहते हैं, लेकिन फिर भी उसे अपने सपनों में विश्वास रहता है। वह धारा के विपरीत चलने की भी कोशिश करता है, लीक छोड़ के भी कोशिश करता है सोचने की, बने बनाए मार्ग से अलग भी वह सोचता है। चीन में उस समय इंग्लिश का ज़्यादा डिमांड नहीं रहता है, लोग महत्व नहीं देते हैं, फिर भी वह इंग्लिश सीखने की कोशिश करता है। जब विदेश से आते हैं टूरिस्ट तो वो उनको घुमाता है, उनको गाइड करता है, उनसे इंग्लिश सीखता है, होटल चला जाता है उनके साथ, वहाँ भी बात करने की कोशिश करता है ताकि मैं कुछ इंग्लिश सीख सकूँ, कुछ जान सकूँ। इस तरह वह लोगों के बारे में जानता है, हर व्यक्ति में संभावनाएं हैं, अलग अलग देश के लोगों से मिलता है तो उनकी समस्या, उनके गुण, उनकी स्ट्रेंथ जानने की वह कोशिश करता है। जिज्ञासु उसका स्वभाव है। इस तरह करते करते अपने सपनों को देखिए, जब वह कंप्यूटर और इंटरनेट की बात करता है तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि यह सपना चलेगा नहीं, क्या ख्याली पुलाव पका रहे हो, कैसी योजना है, फेल हो जाएगी। वह कंपनी फार्म करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, ना उसके पास पैसा है, साधारण परिवार का बच्चा है, ना उसके पास टेक्नोलॉजी है, ना ही उसके पास लोग हैं। दुनिया में जब नया स्टार्टअप शुरू होता है तो बार बार फेल भी होता है। वह व्यक्ति भी जब अपना सपना सुनाता है तो लोग मजाक उड़ाते हैं। इस तरह करते करते वह अपने परिवार और दोस्तों में से 18 लोगों को इकट्ठा करता है, एज ए टीम काम करने की कोशिश करता है। $50,000 इकट्ठा होता है और धीरे धीरे एक छोटी सी कंपनी फार्म होती है जो 3 साल तक 1 रुपया भी रेवेन्यू नहीं कर पाती है, 1 रुपये का आमदनी नहीं होता है 3 साल बाद। सोचिए इतने सारे लोगों का क्या विश्वास का। लेकिन देखिए, जब दुनिया आप पे विश्वास नहीं करे उस समय आपको अपने आप पे विश्वास करना पड़ता है। जब आप कुछ अचीव करेंगे, जब आप सफल हो जाएंगे, तब तो दुनिया यकीन करेगी। आज आपने अभी कुछ किया नहीं है उस तरह का, तो आपको अपने सपनों पे यकीन करना पड़ेगा, तब जाके कुछ होगा। मैं बात कर रहा हूँ अलीबाबा जैसी मशहूर कंपनी के संस्थापक चाइनीज अरबपति जैक मा की, जो कि दुनिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं, एशिया के सबसे धनी लोगों में से एक हैं,
और चाइना में क्या कहना, करोड़ों लोगों को उन्होंने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजगार दिया है, बहुत अनगिनत स्टार्टअप की मदद किए हैं, बहुत तरह के लोगों की छोटी छोटी कंपनियों को उन्होंने मदद किया है आगे बढ़ने में। वो कहते हैं कि लोगों की समस्या का समाधान कीजिए, जब आप लोगों को आगे बढ़ाएंगे तो आप खुद आगे बढ़ जाएंगे, जब लोगों की समस्या का समाधान आप करेंगे तो धीरे धीरे आप आगे बढ़ जाएंगे, आप सफल हो जाएंगे। और युवाओं में संभावना देखिए, जो नए लोग हैं वह संभावना के स्रोत हैं, उनमें संभावना देखिए, वो आपको आगे बढ़ा देंगे। और उनका प्रसिद्ध कोट है कि कभी हार मत मानिए, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा। सुनिए, आज कठिन है कल और भी बदतर होगा, लेकिन परसों धूप खिलेगी। कभी भी जो उद्यमी होते हैं उनका ऐसा विचार होता है, साधारण लोग तो इस कोरोना काल में हतोत्साहित हैं, निराश हैं, ऐसे समय में भी कोई उद्यमी अवसर की तलाश में होगा। वो कहते हैं जब दिक्कतें होती हैं वहीं अवसर होता है, जहां प्रॉब्लम होती है वहां ही वहीं समाधान होता है। आप अवसर देखेंगे तब आपको अवसर मिलेगा, अवसर नहीं देखेंगे तो नहीं मिलेगा। समस्या पे ही केवल ध्यान मत देखिए, समाधान पे कोशिश करिए। और देखिए, वह कहते हैं कि कभी भी पैसे की कमी नहीं होती, आप जब अपने सपने का पीछा करेंगे, अपने सपने पे ध्यान देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे तो पैसा अपने आप चल करके आएगा। और युवा लोगों की मदद कीजिए, छोटे लोगों की मदद कीजिए, छोटे व्यापारियों की मदद कीजिए, ये युवा कल बड़े होंगे, छोटे व्यापारी कल बड़े होंगे और आपको भी बड़ा कर देंगे। इसलिए निराश मत होइए, जितना कठिन समय है सबके लिए कठिन समय है, लेकिन देखिए उद्यमी का वीर होता है, उद्यमी ज़्यादा धैर्यशाली होता है, जब दुनिया टूट जाती है उस समय भी वो अवसर देखता है, वो अवसर की तलाश में रहता है, उस समय भी वह सकारात्मक रहने की कोशिश करता है, उस समय भी वह आशावादी रहता है, क्योंकि उसके देखिए उसके पास इतने लोग काम कर रहे हैं, अगर वो टूट जाएगा तो लोगों को रोजगार कहाँ से मिलेगा, लोगों की मदद कैसे होगी, लोगों को सैलरी कैसे दी जाएगी, तो वह लोगों से थोड़ा ज़्यादा वीर रहता है। उनका कहना है कि सॉल्व प्रॉब्लम, समस्या सुलझाएंगे आप कामयाब हो जाएंगे। वह कहते हैं कि बार बार ना सुनने की आदत डालिए, बोलते हैं जब जब शुरुआत में हर जगह से हमें अस्वीकार किया गया, रिजेक्ट किया गया, ऐसा नहीं केवल नौकरी में, हम जब व्यापार भी करना शुरू किए, जब हम अपनी कंपनी भी फार्म किए तो कहीं भी जाते थे इन्वेस्टर की तलाश में, निवेशक ढूंढने, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं होता था, हर जगह से रिजेक्शन मिलता था, लेकिन हम अपने आप को इम्प्रूव करते गए। वह कहते हैं कि अपने सपनों को जिंदा रखिए, अगर सपने आपके जिंदा रहेंगे तो कल आपको समाधान मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, इन्वेस्टर भी मिलेंगे, लोग मिलेंगे, हर तरह के लोग मिलेंगे। अपने सपनों को जिंदा रखिए और छोटी छोटी समस्याओं के कारण अपने सपनों का बलिदान मत कीजिए, नहीं तो सपने चले जाएंगे, सब कुछ आपका चला जाएगा। उम्मीद जिंदा रखिए, दुनिया अगर नहीं भी रख रही है उम्मीद तो आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आपको विश्वास है तो हो जाएगा। और जो कंपनी देखिए 3 साल में 1 रुपया भी नहीं इकट्ठा कर पाई, आप सोचिए इतनी बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है, इतनी बड़ी, पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। और वो देखिए कहते हैं कि छोटी सोच वाले लोगों को अनदेखा कीजिए, जो एनर्जी ड्रेनर है ना, जो सपनों के हत्यारे हैं, ऐसे लोगों से दूर रहिए, वो आपके सपनों की हत्या कर देंगे, आपकी उम्मीदों पे पानी फेर देंगे। आपका एसोसिएशन सकारात्मक लोगों के साथ होना चाहिए, असफल लोगों से सीखिए
केवल सफल लोगों से मत सीखिए, असफल लोगों से भी सीखिए। और आपकी प्रेरणा आपके आसपास के लोग भी हो सकते हैं, साधारण भी लोग हो सकते हैं। कई साधारण लोग अपने काम में प्रवीण रहते हैं, उनसे आप सीख सकते हैं। तो प्रेरणा की तलाश में रहिए, इंस्पिरेशन पाने की कोशिश करिए। जब लोग कहें कि आपका आइडिया बेकार है, आप स्टूपिड हो, तो ध्यान मत दीजिए। वही लोग आपको कल तालियां बजाएंगे और वही लोग आपकी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे। वो कहते हैं कि जो जो हमें रिजेक्ट करते थे, आज वो हमारे प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारी सेवाएं ले रहे हैं, हमारे पास आते हैं, जो लोग कहते थे। तो दुनिया, भीड़ का बात सुनने की ज़रूरत नहीं है, भीड़ की बात मत सुनिए, आप आगे बढ़िए। और वो कहते हैं कि फोकस बहुत ज़रूरी है। ज़्यादातर लोगों को शाम को बहुत सारे सपने आते हैं, बहुत कुछ वो करना चाहते हैं, लेकिन सुबह होते होते वो कोई और सपना देखने लगते हैं, वो भूल जाते हैं कि शाम को क्या सोचे थे। फोकस, अपने सपनों पे फोकस करिए। जो आपने सपना देखा है वो ऐसे पूरा नहीं होगा, रोज़ रोज़ बदलते जाएंगे, तो फोकस आवश्यक है। और वो कहते हैं कि शिकायत मत कीजिए, अवसर देखिए। कोसते रहेंगे क्या होगा, अपने आप को इम्प्रूव करिए, लोगों को बोलने दीजिए। कई बार हमारे में भी कमियां होती हैं, हमारे प्रोडक्ट में कमियां होती हैं, हमारी सेवाओं में कमियां होती हैं, इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। लोगों से को की शिकायत मत कीजिए और उत्साहित बने रहिए। आपका उत्साह बड़ा बड़ा काम करवाता है। दुनिया में आज तक कभी भी कोई भी महान काम बिना उत्साह के, बिना एनर्जी के नहीं हुआ। जब तक आपका काम सफल नहीं हो जाता, वो तो कहते हैं कि हम आज भी हमेशा गलतियां करते रहते हैं, क्योंकि जब भी आप बड़ा काम करेंगे, कुछ अलग काम करेंगे, नए रास्तों का निर्माण करेंगे, तो दिक्कतें होंगी, गलतियां होंगी, तब जाके सुधार होगा। बने बनाए रास्तों पे चलेंगे तो गलतियों की संभावना कम है, लेकिन नए रास्तों पे चलेंगे तो दिक्कतें होंगी, तकलीफ़ होगी, तब जाके सुधार होगा और उसी से आप सीख करके आगे बढ़ेंगे। और वो कहते हैं कि अगर आप उद्यमी बनना चाहते हैं तो पहले 20 साल एक अच्छा विद्यार्थी बनिए, अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, और 30 साल के पहले आप किसी को फॉलो कीजिए, किसी छोटी कंपनी में काम कीजिए। क्योंकि बड़ी कंपनी में क्या है कि बहुत ज़्यादा चीज़ आप सीख नहीं पाते, आप एक प्रोसेस का हिस्सा रहते हैं, लेकिन छोटी कंपनी में ज़्यादा चैलेंजेस रहते हैं, ज़्यादा कुछ आपको करना रहता है, और कैसा आपको बॉस मिले हैं वो आपको अच्छा चीज़ सिखा सकते हैं। तो अच्छे लोगों के अंडर काम कीजिए 30 साल के पहले, और 30 से 40 साल के बीच अपने आप पे काम कीजिए, अपने आप में सुधार लाइए, अपनी क्षमता को बढ़ाइए, और 40 से 50 साल के बीच में वो काम करिए जिस काम करने में आप अच्छा हैं, जो काम आप कर सकते हैं, जिस काम को करने में आपकी प्रवीणता हासिल है, वो काम करिए। और वो कहते हैं 50 से 60 साल के बीच आप युवा लोगों पे विश्वास कीजिए। देखिए, कई बार बड़ा आदमी सोचता है ना, जिसकी उम्र ज़्यादा है, वह सोचता है कि मैं ही एक बुद्धिमान व्यक्ति हूँ, हो सकता है उसके बच्चे ज़्यादा काबिल हों, और यह होता है। देखिए, दोनों का योग ही आदमी आगे बढ़ सकता है। वो कंपनी कभी ग्रो नहीं कर सकती जिसमें युवा नहीं है। अनुभवी लोगों की भी आवश्यकता है, युवाओं की भी आवश्यकता है। नई चीज़ें, भविष्य का समाधान युवा ही करेंगे। आगे क्या चीज़ें होने वाली है ये युवा अच्छे से समझते हैं। और आप खुद सोचिए, आपके बच्चे बहुत सारी चीज़ों को आपसे जल्दी समझ लेते हैं, वो ज़्यादा टैलेंटेड है कई सारे मायनों में। तो वह कहते हैं कि 50 से 60 साल के बीच आप नवयुवकों पर फोकस करिए, उन पर विश्वास कीजिए, उन पर खर्च कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, और 60 साल के बाद खूब घूमिए, इंजॉय कीजिए, अपने जीवन का आनंद लीजिए, तरह तरह के जो आपकी इच्छाएं हैं वो पूरा कीजिए, अपने आप पे समय दीजिए। और जब आप 25 साल के हैं, गलतियों से मत डरिए, बार बार गलतियां कीजिए, जितनी गलतियां होंगी आप गलतियां करेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, गिरेंगे, उठेंगे, समाधान मिलता जाएगा और उसमें से पैसा मिलेगा। गलतियों से आदमी ज़्यादा सीखता है। ऑप्टिमिस्टिक रहिए, आशावादी आदमी ही कुछ कर सकता है।
और देखिए वो बोलते हैं कि सकारात्मक लोगों के लिए हमेशा ही अवसर रहता है। जो आशावादी है, जब आपके इन्वेस्टर, आपके दोस्त मित्र, आपके माता पिता भी आप पर विश्वास न करें, तब भी आपको अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको अपने पे, अपनी टीम पे, दोनों पे विश्वास होना चाहिए, तब आप बन सकते हैं, तब आप कुछ कर सकते हैं। और एक दिन में कुछ नहीं होगा, धीरे धीरे ही सब कुछ होगा। और वह कहते हैं जब नई तकनीक आती है तो जब नौकरी जाती है तो लोग ध्यान देते हैं कि क्या क्या जा रहा है। कंप्यूटर आया था तो लोग सोचे थे इतनी सारी नौकरी चली जाएगी, कितने निर्माण हुआ उसके बारे में लोग नहीं सोचते। नई जब टेक्नोलॉजी आती है तो कुछ लोगों की जॉब जाती है, लेकिन नए जॉब क्रिएट होते हैं। आपका जब ध्यान रहेगा, जी देखिए, बंद दरवाज़ों की तरफ आप देखेंगे ना तो आप खुला दरवाज़ा कैसे देख सकते हैं। कुछ दरवाजे हमेशा बंद होते हैं, लेकिन नए दरवाजे खुलते चले जाते हैं। हमेशा ही ऐसा होता है, कुछ दरवाजे बंद होंगे, हो रहे हैं, लेकिन कुछ खुल भी रहे होंगे, उनकी तरफ ध्यान दीजिए। और वो बोलते हैं कि अगर रोने से समस्या का समाधान हो जाता तो मैं रोज रोता। रोने से कुछ नहीं होगा, रोने से कुछ नहीं होगा। और नवयुवकों पे फोकस करना पड़ेगा, अपने आप को भी यंग की तरह सोचना पड़ेगा, अपने सपनों को जिंदा रखना पड़ेगा। और अंत में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि पढ़ने में साधारण व्यक्ति, बार बार असफल व्यक्ति भी अरबपति उद्यमी बन सकता है, अरबपति उद्यमी बन सकता है। ये सब कहानियाँ देखिए मैंने अपनी पहली किताब में डाला है, पहले चैप्टर में, कि जिसे यकीन है वह सब कुछ संभव कर लेता है। विश्वास के लिए पहले चैप्टर में डाला है, क्योंकि और महापुरुषों से इसीलिए ये सीखने की ज़रूरत है कि आपको विश्वास हो जाए कि अगर आपकी कितनी भी तकलीफें हैं, अगर आपको यकीन है तो आज नहीं तो कल समाधान निकलेगा। विश्वास रखिए, सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।